मिस सुना, आप चाहें तो बैठ सकती हैं। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ट्रायल कब शुरू होने वाला है? बस होने ही वाला है। भाई, आप प्लीज शांत हो जाइए। उन्होंने कहा ना, कोई गलती नहीं है। उन्हें बदनाम किया जा रहा है, उन्हें छोड़ दिया जाएगा। कौन यकीन करेगा कि रेहान ऐसा कुछ कर सकती है? यही उम्मीद है। एमिर, शांत हो जाओ। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। अगर मुझे यूजल मिल जाता तो मैं शांत हो जाता, पर अभी सिचुएशन हमारे फेवर में नहीं है। कोई गवाह नहीं है और उसने कबूल भी कर लिया। कोई प्रोग्रेस है? है तो, पर ये मिसेस रेहान के केस के बारे में नहीं है। सच कहूं तो अभी उसका समय नहीं है, पर रिपोर्ट आई है कि मिसेस जेमरे क्राइम करते समय मेंटली अनस्टेबल थी। वो बचपन से ही ड्रग्स ले रही थी, या फिर उसे दिया जा रहा था, या फिर और कुछ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इसीलिए उसे जुर्म की सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। उसे सिर्फ हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए रखा जाएगा। सर, उसे कहीं भी रखो, पर बाहर मत निकलने देना। मैं इस बारे में अभी कुछ नहीं सोचना चाहता, प्लीज। रेहान, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हम साथ में घर जाएंगे। बारे में तुम्हें डिटेल में कुछ बताया? मैंने कहा ना, उसने मुझे ज्यादा डिटेल में नहीं बताया। समझ नहीं आ रहा, रेहान को कौन बदनाम करना चाहेगा? मैंने तुम्हारे सामने बात की थी, हमें जल्दी पता चल जाएगा। अंकल, आप कहाँ हैं? मुझे आपकी बहुत जरूरत है। कल आप कहां रह गए थे? मैं कब से वेट कर रहा था। बाद में बताता हूं। वैसे देखना होगा तुम्हें।
बैठ जाइए। हमने ज्वेलरी स्टोर के मालिक की गवाही सुनी है जिसकी शॉप में ये घटना घटी है। क्या आपको कुछ कहना है इस बारे में? हाँ योर ऑनर, हम दरख्वास्त करते हैं कि मेरी क्लाइंट मिसेस रेहान तारून के कन्फेशन को इग्नोर किया जाए। जिस दिन ये घटना घटी, ज्वेलरी शोरूम का सिक्योरिटी कैमरा और सड़क पर लगा सर्वेलेंस कैमरा दोनों ही खराब थे, बंद थे। हमारे लिए ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। एक और बात गौर तलब है कि जो सेल्समैन उस ज्वेलरी शोरूम में काम कर रहा था और जिस पर हमें शक है, उसने घटना के कुछ ही देर बाद नौकरी छोड़ दी जो उसने कुछ ही दिन पहले ज्वाइन की थी। ये ध्यान में रखते हुए कि मेरी क्लाइंट रेहान तारून का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, हम कोर्ट से ये दरख्वास्त करते हैं कि इन्हें अरेस्ट ना किया जाए जब तक कि संदिग्ध यूचल जो कि ज्वेलरी स्टोर में काम करता था वो मिल नहीं जाता और इस केस का खुलासा नहीं हो जाता, तब तक हमारी गुजारिश है कि मेरे क्लाइंट को रिहा किया जाए। ट्रायल शुरू हो गया है। बेचारी रेहान वहां जज के सामने खड़ी होकर रो रही होगी। उसे भी उस जैमले के साथ एक ही जेल में बंद कर देना चाहिए। वो दोनों परेशान होंगी तो उन्हें देखकर मुझे मजा आएगा। अब उन्हें पता चलेगा कि मुझसे उलझने का अंजाम क्या होता है। हमने अपना फैसला कर लिया है। इस ट्रायल को तब तक के लिए पोस्टपोन किया जाता है जब तक कि उस ज्वेलरी स्टोर पर काम करने वाला यूसुल अरकन मिल नहीं जाता और उसकी दलील कोर्ट के सामने पेश ना कर दी जाए तब तक के लिए। और जो सबूत प्रोसिक्यूटर ऑफिस में पेश किए गए हैं उन्हें मद्देनजर रखते हुए संदिग्ध रेहान तारहून को उसके दिए बयान के मुताबिक जेल भेजा जाता है। जब तक कि ये ट्रायल पेंडिंग है तब तक के लिए।
मुझे माफ कर दो। I'm sorry, मुझे माफ कर दो प्लीज। इसमें आपकी गलती नहीं है। मैं तुम्हें बचा लूंगा। सर बस एक मिनट। ठीक है, अभी के लिए मुझे जाने दीजिए, मैं ठीक हूँ। ठीक है, मेरी चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है रेहान, केस खत्म नहीं हुआ, चल रहा है। रोना नहीं है, सब लोग रोना बंद करो प्लीज। रेहान सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। पुलिस वैन नहीं आ जाती तब तक हम यहीं इंतजार करेंगे।